सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 24वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ही प्रयोग में आता है, विशेषकर जब भोजन किया जाता है उस वक्त इसी मंत्र का उपयोग करते हैं। यानी भोजन करने के पहले हम लोग इस मंत्र को बोलते हैं, चाहे मुंह से बोलें या मन ही मन बोलें, और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। और ये अद्वैत मंत्र है एक तरह से। तो इस मंत्र को आप लोग याद कर लें। यदि आप लोग भोजन के समय किसी मंत्र का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसको याद कर लें, इस मंत्र को, क्योंकि यही भोजन के पहले बोला जाता है और बोला जाना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे भोजन के समय तो ओम जरूर लगा लेंगे उसके पहले। हालांकि यहाँ पर मंत्र में ओम नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको ओम लगा करके ही बोलना है मंत्र को। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविः ब्रह्मग्नो ब्रह्मनाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अर्थात ब्रह्म को अर्पित किया जा रहा है। किस चीज को? तो यह जो हवि है, यानी जो हव्य पदार्थ हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, जो भी हव्य पदार्थ होते हैं जो हवन यज्ञ में किया जाता है उनको हवि कहा जाता है। तो तिल है, जौ है, घी है, चावल है, तो ये सभी हवि कहे जाते हैं। तो आप जो कुछ भी खाते हैं वो सब हवि है, यानी सारे पदार्थ जो हैं वे हवि हैं, और उसको कहा जा रहा है कि वह भी ब्रह्म है। यानी यह पदार्थ जगत ब्रह्म है और ब्रह्म को अर्पण करना है। यहां पर ब्रह्म का अर्थ ईश्वर है, तो ईश्वर को अर्पण करना है। सारे पदार्थ ईश्वर हैं और जो हम लोग हवन करते हैं तो उस वक्त जिस श्रुक से हवन करते हैं, श्रुवा से हवन करते हैं, तो उसको यहाँ पर अर्पण के रूप में कहा गया है। यानी जिस माध्यम से हम लोग करते हैं, जिस द्रव्य का हवन, उसको भी ब्रह्म कहा गया है। यानी श्रुक श्रुवा भी ब्रह्म है। यहाँ पर आपका अगर वो श्रुक श्रुवा नहीं है तो आपका जो हाथ है वह आपका हाथ भी जो है ब्रह्म है। तो आपके हाथ में जो पदार्थ है वह भी ब्रह्म है और आपका हाथ भी ब्रह्म है, आप भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्म अग्नो ब्रह्मणाहुतम। और यह जो अग्नि है जिसमें हवन किया जाएगा, चाहे आपके पेट की जठराग्नि है या बाहर की कोई अग्नि है, ये जितनी भी अग्नियां हैं ये सब ब्रह्म रूप ही है। अग्नि ब्रह्म स्वरूप है। और इसलिए ऋग्वेद की पहली जो ऋचा है वह भी
अग्नि को ही समर्पित है। ब्रह्मणा हुतम कह रहे हैं कि यह जो आहुति देने की जो क्रिया है वह क्रिया वह भी ब्रह्म है, यानी आपका हाथ ब्रह्म है, आप ब्रह्म हैं, आपके हाथ में जो उपकरण है वह भी ब्रह्म है, उससे जो पदार्थ आप निकाल रहे हैं वह भी ब्रह्म है, जो अग्नि में आप हवन करने जा रहे हैं वह भी ब्रह्म है, और जिसके और जो क्रिया है हवन करने की वह भी ब्रह्म है, और यह जो है जहाँ जाएगा यानी इस हवन के बाद जो परिणाम आएगा, जो जहाँ जाएगा जिस जगह को इसका जो गंतव्य है स्थान जहाँ इसको आपको भेजना है वह भी ब्रह्म है, और ये सारी जो घटनाएं हैं ये ब्रह्म कर्म रूप जो घटनाएं हैं, इस तरह से आप जब हवन करते हैं तो समाधि होती है, यह कर्म समाधि है, इसके जो फल आएंगे वो भी ब्रह्म रूप ही आएंगे, यानी इस तरह के कर्मों से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है, एक तरह से आप समझ लें इसका जो फल आएगा वह ब्रह्म स्वरूप होगा, ईश्वर स्वरूप होगा, यानी इस तरीके से आप ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। हर क्रिया ईश्वर रूप है, हर कर्म ईश्वर रूप है, हर पदार्थ ईश्वर रूप है, हर घटना ईश्वर रूप है, हर जीव ईश्वर रूप है, हर निर्जीव ईश्वर रूप है, ईश्वर के सिवाय और कुछ भी नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह जो है छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, और यहाँ गीता में कहते हैं वासुदेवः सर्वम इति, सब सिर्फ वासुदेव है, वासुदेव के सिवा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यह ब्रह्म कर्म समाधि है, यह ईश्वर रूप समाधि है, इसमें कर्म में हम सम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, हमारी प्रज्ञा समाधि का अर्थ धी का अर्थ प्रज्ञा, समाधि में सम और धी है, तो सम जो है सम भाव को उपलब्ध हो जाना, यानी प्रज्ञा का धी का हमारी विवेक शक्ति की भी जो विवेक है वह प्रज्ञा है, तो उसका सम भाव में हो जाना समाधि है। तो यहाँ कहते हैं कि वह समाधि उपलब्ध हो जाती है इस कर्म रूप से, यानी कर्म योग के जरिए कैसे हम समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, कर्म योग का क्या अद्वैत है, कर्म योग का अद्वैत यहां पर भगवान ने बताया है, यह बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्म योग में अमूमन द्वैत बना रहता है, ईश्वर का और भक्त का द्वैत, और कर्म का और कर्ता का द्वैत बना रहता है, लेकिन यहां पर भगवान ने इतनी बखूबी से कर्मयोग को अद्वैत कर्मयोग में बदला है, यह एक अचंभा है, और ये कहा जाएगा कि यह मास्टर श्लोक है, यह बहुत उच्च स्तर का कर्मयोग का श्लोक है यह, कि जो द्वैत की चीज है उसको भगवान ने अद्वैत में कैसे प्रस्तुत किया है, यह देखने वाली बात है। इसलिए यह श्लोक काफी ज्यादा लोकप्रिय है साधु संतों में, सभी साधु संत इसी मंत्र का स्मरण करते हैं भोजन करने के पहले, और सबको करना चाहिए। यहां पर जितनी अवस्थाएं बताई गई हैं
अगर उसे सिर्फ हम अपने भीतर देखें या किसी भी जीव के भीतर देखें तो हर जगह यही दृष्टिगोचर होगा, ये हर जगह लागू होगा कि किस तरह से ईश्वर ही ईश्वर में हवन किए जा रहे हैं और वहां से ईश्वर ही प्रस्फुटित हो रहे हैं। जो हमारा हाथ है वह ब्रह्म रूप है, गीता में ही कहा गया सर्वतः पाणी पादम तत् सर्वतो अक्षी शिरोमुखम, ये सब जगह जो है ईश्वर के हाथ और पैर हैं, आंख और सिर है, और ये भोजन जो है वो पदार्थ रूप ब्रह्म रूप है। गीता में अन्य जगह भी आया है अहम मे वाज्यम, और भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप ही है, ममेवांशो जीवलोकी जीव भूतः सनातनः। जठराग्नि भी ब्रह्म रूप है, अहम वैश्वानरः भगवान ने कहा है, और ये जठराग्नि में अन्न की आहुति देना भी क्रिया रूप है, ब्रह्म है, अहम हुतम, यह भी गीता में आया है। और उसके बाद उसका फल भी, इस तरह से भोजन करने वाले का फल भी ब्रह्म है, यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो इसका जो फल है इस तरह से हवन करने का, यही वास्तविक हवन है। तो इसका जो फल है वह भी ब्रह्म रूप ही होता है, और यह सिर्फ भोजन के अर्थ में, एक ही अर्थ में नहीं है कि जो आप पदार्थ खा रहे हैं सिर्फ उसी अर्थ में हवन नहीं है। आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जैसे मान लीजिए श्वास ग्रहण कर रहे हैं, तो यह जो श्वास आपकी जा रही है वह श्वास भी ब्रह्म रूप है, आपके भीतर में चली गई वह भी ब्रह्म रूप है, वह भी एक तरह से अग्नि है, उसमें हवन हो गई, फिर जो है उसका जो परिणाम स्वरूप आएगा वह भी ब्रह्म स्वरूप आएगा। इस तरीके से ध्यान साधना में भी यही भावना के साथ हम लोग ध्यान करते हैं। और यदि आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो उस तरह से वह मंत्र भी ब्रह्म स्वरूप है, जो हवन करने वाले आप भी ब्रह्म स्वरूप हैं, जहाँ आप हवन कर रहे हैं यानी जहाँ स्मरण कर रहे हैं वह स्मरण रूप जो स्मृति है, और जो आपका मन है वह भी ब्रह्म रूप है। इस तरह से सब ब्रह्म रूप होने से पूरा आपका अस्तित्व आलोकित हो जाता है, आप जो देखते हैं वह दृश्य भी ब्रह्म रूप है, आप जो दृष्टा है वह भी ब्रह्म रूप है, और जो आंखें हैं वह भी ब्रह्म रूप है, जो मस्तिष्क है वह भी ब्रह्म रूप है, वहां पर जो छवि बनेगी मस्तिष्क में वह भी ब्रह्म रूप है। इस तरीके से जो अद्वैतवादी हैं और कर्मयोगी भी हैं वो इस तरीके से ही हर कर्मों को देखते हैं और कर्म के पूरे स्वरूप को जानते हैं, इसलिए वे यथार्थ को जानते हैं। कर्म के यथार्थ को जानना यही है कि कर्ता भी ब्रह्म है, क्रिया भी ब्रह्म है, और कारक भी ब्रह्म है, और जिस पदार्थ के माध्यम से कर्म हो रहे हैं वह भी ब्रह्म है, पदार्थ और चेतना जो संयुक्त होकर के जो अंजाम देते हैं वह भी ब्रह्म है, ये सारी क्रियाएं ब्रह्म रूप हैं। इस तरीके से हम कर्मयोग को यथार्थ में समझते हैं। तो हमारे जितनी भी इंद्रियां जो कुछ भी ग्रहण करती हैं या उत्सर्जित करती हैं वह सब ब्रह्म रूप ही है, तब आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जो ब्रह्म स्वरूप नहीं है, तब आपकी हर क्रिया ब्रह्म स्वरूप होने के कारण आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप आप ब्रह्म को ही पाते हैं, ईश्वर को ही पाते हैं। यह कर्मयोग का अद्वैत पहलू है, और इतना अच्छा और किसी ने भी कहीं रखा नहीं है दृष्टिकोण जो भगवान ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। कर्मयोग का यह पक्ष बहुत ही दिव्य पक्ष है, तो इस श्लोक को आप निश्चित ही याद कर लें, आपके बहुत काम का श्लोक है यह। इस तरीके से जब आप कर्म को देखते हैं, महसूस करते हैं, करते हैं, तो कोई भी कर्म हो
जिसको कि आप कुकर्म भी कहते हैं, दुष्कर्म भी कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं, आपद कर्म कहते हैं, ये सब सारे कर्म जो हैं ये आपके लिए अकर्म हो जाएंगे। और अकर्म कर देना ही यहाँ लक्ष्य होता है कर्मयोग में। तो कैसे अकर्म किया जाता है उसका भगवान ने न सिर्फ यहाँ सैद्धांतिक पहलू दिया है, बल्कि एक व्यावहारिक पहलू, एक देखने का एक अलग नज़रिया प्रस्तुत किया है। उस नज़रिए से अगर हम देखते हैं तो वह एक बहुत अच्छी साधना होती है, और उस साधना के कारण हम यदि उसको सब चीज़ में लागू करते जाते हैं तो हम सिद्ध हो जाते हैं और ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यह सिर्फ भोजन करते समय ही नहीं है, हालांकि उस वक्त आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप जो भी कर्म कर रहे हों आपका नज़रिया वैसा ही होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण वही होना चाहिए, और तब वह कर्म आपका सिद्ध हो जाएगा। वह कर्म जो है आपके लिए अकर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म हो जाएगा, और प्रभु आपको दर्शन देंगे, निश्चित ही दर्शन देंगे, आप दिव्यता को प्राप्त होंगे। ओम हरि। ओम।